नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन से। उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन आज चीन भ्रमण में जा रहा। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह, दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री सूर्य बहादुर थापा लगाए द्रुत सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग में उजरी। आ सोमालिया के इस्लामिक विद्रोही संगठन अल शबाब इथियोपिया के 60 सैनिक की हत्या कल। उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन के चीन भ्रमण आई से शुरू भरल। पुन आई 1 बजे वही दिश प्रस्थान करता। चीन भ्रमण के क्रम में उपराष्ट्रपति पुन 4 चीन दक्षिण एशिया मेला भेला, 24 चीन कन्मिंग आयात निर्यात व्यापार मेला आ चीन दक्षिण एशिया व्यवसायी मंच के संबोधन कर के कार्यक्रम रहल। भ्रमण टोली में उपराष्ट्रपति के धर्मपत्नी हस्तमाली, उपराष्ट्रपति कार्यालय के सचिव राजेंद्र किशोर छेत्री, स्वीकीय सचिव सुख बहादुर रोका, प्रेस संयोजक पार्श्ववर्ती प्रमुख सेनानी मनोज कुमार सिलवाल लगायत 11 गोटे छ। उपराष्ट्रपति में निर्वाचित भेला के बाद पुन के पहिल विदेश भ्रमण होबे लागल। वो चीन के सप्ताहव्यापी भ्रमण संपन्न क आगामी 2 अखाड़ में स्वदेश घुरता। रामेछाप के दोरम्बा हत्याकांड के पीड़ित सब पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह, दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री सूर्य बहादुर थापा लगायत विरुद्ध सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग में उजरी दिलक। पीड़ित 15 परिवार बृहस्पति के आयोग के कार्यालय बबर महल में उपस्थित भक उजरी देने आई। उजरी दे तो सब स्वतंत्र आ कोनो प्रभाव में नहीं पड़ कर घटना के छानबीन कर आ दोषी ऊपर कार्रवाई का न्याय दिया देवे के लिए मांग के आई। पीड़ित सब तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह आ तत्कालीन प्रधानमंत्री सूर्य बहादुर थापा के अलावा कमल थापा, अनंतराज शर्मा पांडे, प्याराजंग थापा, श्याम भक्त थापा, चुड़ामणि बस्याल, रामप्रसाद श्रेष्ठ आ राममणि पोखरेल लगायत विरुद्ध जाहरी देने आई। वही घटना समय में कमल थापा गृह मंत्री, अनंतराज शर्मा पांडे गृह सचिव, प्याराजंग थापा प्रधान सेनापति छलथ। तत्कालीन विद्रोही माओवादी आ सरकार बीच दांग के हापुरे में वार्ता चल रहा समय में राज्य पक्ष द्वारा माओवादी जन सरकार परम सखर बाबूराम लामा सहित 22 गोटे माओवादी नेता कार्यकर्ता के सामूहिक हत्या कर गेल निवेदक सबके दावी है। वही घटना प्रति माओवादी वही घटना के बाद माओवादी सरकार संघक वार्ता भंग भेल छल। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत सिरा के कसहा नजदीक गगन खोला के पुल में बस आ ट्रक ठोकरेला के बाद आग लगी भेला से 1 गोटे के मृत्यु भेल। मृत्यु भेल सबके पहचान होब नहीं सकल पुलिस जनौलक। काठमांडू से झापा के लिए जा रहा ना 5X8538 नंबर के बस आ पूर्व से पश्चिम के लिए जा रहा ना 2X4294 नंबर के मालवाहक ट्रक बृहस्पति के भिनसर में ठोकरेला से 24 गोटे घायल से भेल। घायल में से 10 गोटे के अवस्था चिंताजनक रहा। घायल के गोल बाजार के स्वास्थ्य संस्था सब में इलाज भ रहा। पुल पार कर रहा समय ट्रक तीव्र गति में आयल बस नियंत्रण में लेब के क्रम में पिछड़ कर ठोकरायल चालक बतौलक। नया शक्ति नेपालक संयोजक डॉक्टर बाबूराम भट्टराय प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ऊपर देश के अंतर्राष्ट्रीय द्वंद के केन्द्र बनाव चाहने आरोप लगौलन। नया शक्ति के संयोजक डॉक्टर भट्टराय बृहस्पति दिन काठमांडू के खुला मंच पहुंचकर संघीय गठबंधन के रिले अनशन प्रति एक की विधेयता समेत आंतरिक समस्या समाधान में गंभीर होब के बदला देश के अंतर्राष्ट्रीय द्वंद के केन्द्र बनाव चाहने आरोप लगौलन। वो 1 महीना पहले भारत खसाब चाहने सरकार के चीन के सहयोग ल जगौने दिश संकेत करैत अंतर्राष्ट्रीय शक्ति सब के हस्तक्षेप अंत्यक लेल सरकार संविधान प्रति असंतुष्टि जनबैत आंदोलन कर रहल दल के मांग संबोधन करय पड़त बताने छथ। न्याय शक्ति नेपालक संयोजक डॉक्टर बाबूराम भट्टराय आंदोलनरत दल के मांग संबोधन के लिए सीमांकन फेरबदल क के संविधान संशोधन के विकल्प नहीं रहल बतौलन। संघीय गठबंधन के आंदोलन प्रति पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल सेहो एक के बेहतर जनौने छथ। गठबंधन के नेता तथा कार्यकर्ता पहचान के आधार में प्रदेश बनाब के मांग पूरा करय लेल दबाव देव कहित 4 दिन से रिले अनशन में बैसल। पुरान संरचना आ विद्युतीय चाप बढ़ला से उपकरण लोड उठाव नहीं सकला के बाद धनसा में पिछला 2 सप्ताह से सब साधारण सब आक्रांत बनल। भार प्रेषण केन्द्र मंगल दिन से दैनिक 9 घंटा मात्र लोड शेडिंग होब के तालिका सार्वजनिक कलक। मुदा धनसा के ग्रामीण क्षेत्र सहित सदर मुकाम जनकपुर में दैनिक लोड शेडिंग होब के समय के कोनो लेखा जोखा नहीं है। 9 घंटा तालिका बमोजिम विद्युत आपूर्ति कटौती कर उद्योगी व्यवसायी से युवा अगुआ सब बेर विरोध में उतरल। मुदा विद्युत आपूर्ति में सुधार होब के बदला आरो असहज देखल गेल। राजमार्ग अवरुद्ध केला के बाद आ विरोध करतु तत्काल सुधर के आ दिन नहीं बीतते पुनः अनियमित विद्युत कटौती सुचारू कर के प्राधिकरण के लापरवाही से सर्वसाधारण आक्रांत बनल। भार संप्रेषण केन्द्र जारी करे वाला तालिका
आपूर्ति करे वाला वितरण तथा फीडर के अनियमित कटौती से खासे अर्थ नहीं है। मांग आपूर्ति के अंतर के अध्ययन कक तालिका निर्माण कैल गेल होइतो धनसा में देखल गेल समस्या मांग आ आपूर्ति बीच संबंधित नहीं भक ट्रांसफार्मर आ तार क्षमता में आयल ह्रास आ परसों से स्तरोन्नति नहीं भेल कारण देखल गेल। प्राधिकरण जनकपुर के प्रमुख जितेंद्र झा बतौलन प्राधिकरण जनकपुर शाखा प्रमुख झा दीर्घकालीन समाधान के लिए विद्युत सुदृढ़ीकरण आयोजना के आवश्यकता रहल बतबैत। धनसा में हाल विद्युत के मांग 32 मेगावाट रहल है मुदा आपूर्ति 58% अर्थात 19 मेगावाट मात्र होइत आयल। रोहतक के चांदीखोला आ पौराहा बीच के जंगल में बृहस्पति के भिनसर ट्रक ऊपर पेट्रोल बम प्रहार भेल। बम प्रहार से चालक आ सह चालक गंभीर घायल भेल। N6K4615 नंबर के ट्रक में अज्ञात समूह बम प्रहार कलक। बम प्रहार से सह चालक 19 वर्षक बसंत मगर गंभीर घायल भेल। हुनकर चेहरा आ हाथ जरल। चालक बलराम भंडारी के हाथ आ केश जरल। दुनू के रोहतक स्थित चंद्रनिगापुर अस्पताल में इलाज भ रहा है। सोमालिया के इस्लामिक विद्रोही संगठन अल शबाब इथियोपिया के 60 सैनिक के हत्या के दावी कलक। अल शबाब के लड़ाकू सोमालिया के हेलगन शहर में रहल अफ्रीकन यूनियन के सैनिक के बेस कैंप में आक्रमण कर इथियोपिया के सैनिक के हत्या के जनौलक। अफ्रीकी यूनियन इथियोपिया के सैनिक मारल गेल विषय में किछु नहीं बतौने। हेलगन में दोहरा भिड़ंत भेल आ बेसी के मृत्यु भेल होब सक के अधिकारी सब बतौने। अफ्रीकन यूनियन जवाबी कार्रवाई में 120 गोटे विद्रोही लड़ाकू मारल गेल जनौलक। अतेक पैघ मात्रा में हथियार सेहो बरामद केने यूनियन के दावी है। सोमालिया में अलशबाब हिंसात्मक गतिविधि करैत आयल। अलशबाब नियंत्रण में लेने क्षेत्र से ओकरा सब के हटाब अफ्रीकन यूनियन के देश संयुक्त सैन्य अभियान शुरू केने। अपन न्यूज अखन के लिए लतवे पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टीवी। नमस्कार।